Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Riza and you are watching how to do this. Today we are going to discuss bootstrap for flex. To flex hum dekhenge ki aaj kya hota hai. Use flex classes to control the layout of bootstrap for components. Control karta hai layout ko, okay? Jaisa ki hum CSS mein humne dekha tha, kisi bhi चीज को अलाइन करने के लिए हम दो तीन चीजें यूज करते थे जिसमें हम फ्लोट भी यूज करते थे पोजीशन भी यूज करते थे पोजीशन रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट ये वाली चीजें यूज करते थे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था हमारे रिस्पॉन्सिवनेस के जब हमारी स्क्रीन छोटे साइज की होती थी तो उसका कंट्रोल लेआउट बिगड़ जाता था लेकिन हमें बूटस्ट्रैप 4 में फ्लेक्स बॉक्स मुहैया करता है चीजें के जिसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिवनेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल makes it easier to design flexible responsive layout structure without using float or positioning. एक इससे काम easy हो जाता है सिर्फ हमने classes use करनी होती है ज़्यादा चीज़ें हमने use नहीं करनी होती और दूसरा responsiveness भी हमारी ठीक रहती है तो ये इसके दो फायदे हैं हमें use करने के flex box के easy है और responsiveness भी create कर सकते हैं तो इसके मैं दो से तीन पार्ट बना लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो सके तो इसके मैं कोशिश करूंगा दो से तीन पार्ट बना लो कुछ पहले पार्ट में कवर कर लें फिर दूसरे में फिर तीसरे में तो आज के टॉपिक में हमने ये वाली क्लासेस देखनी है कि ये क्लासेस कैसे वर्क करती हैं जिसमें से डी फ्लेक्स डी इनलाइन फ्लेक्स फ्लेक्स रो रिवर्स फ्लेक्स कॉलम रिवर्स जस्टिफाई कंटेंट ओके ये हमने चार पाँच चीज़ें देखनी है तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिव क्रिएट कर ले उसके अंदर आपने क्लास देनी है डी फ्लेक्स सबसे पहले हम ये क्लास देखेंगे डी फ्लेक्स ओके उसके बाद आपने इसकी आइटम्स देनी है ठीक है क्लास मैं इसका कलर रख रहा हूँ बीजी सक्सेस फर्स्ट आइटम ओके क्योंकि ये आइटम्स पे ही वर्क करेगा कि आप किसको फ्लेक्स करना चाह रहे हैं या किसकी पोजीशन करना चाह रहे हैं मैं तीन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड और ये थर्ड इसे ऐसे ही बीजी प्राइमरी कर लेता हूँ इसे बीजी कर लेता हूँ डेंजर लेट्स सी अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लेक्स तो क्रिएट हो गया है लेकिन बहुत सारा बद्दा सा नजर आ रहा है अजीब सा लग रहा है हम इसे अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप इसे कंटेनर में रख लें कट करके डिव आप यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट कर लें कंटेनर क्लास कंटेनर ओके और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें इसकी पैडिंग कर दें 3 और इसका कलर कर दें बीजी डार्क तो इससे क्या होगा थोड़ा सा ये अच्छी लुक नज़र आएगी इसकी ये आप देख सकते हैं ओके इसी तरह आप जैसा मर्जी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रंट एंड जैसे ही आपकी जहानत है जैसा आप तरीका चाह रहे हैं उसे वैसा ही डिज़ाइन अपनी मर्जी से कर सकते हैं मैंने सिर्फ इतना किया इस पे वर्क कि सिर्फ इसे बीजी डार्क कलर दे दिया और इसकी पैडिंग 3 कर दी है ओके तो आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर भी आप पैडिंग कर सकते हैं पैडिंग 1 ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा ये देखिए ओके तो ऐसे चीज़ों को आप थोड़ा सा खुद ही एक्सप्लोर कर लिया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके तो ये थी हमारी डी फ्लेक्स डी फ्लेक्स के जितनी भी आइटम्स होती हैं उसके अंदर उसे फ्लेक्स कर देगा ठीक है अगर आप देखिएगा अगर ये आपको फ्लेक्स नज़र आ रहा है अगर मैं डी फ्लेक्स क्लास नहीं यूज़ करता तो ये कैसा नज़र आएगा ये देखिए लुक कितनी अच्छी नहीं नज़र आएगी और रिस्पॉन्सिव भी खराब रिस्पॉन्सिवनेस भी ख़राब हो जाती है तो इस वजह से मैं यूज़ करूँगा डी फ्लेक्स ओके अब हमारे पास नेक्स्ट है डी इनलाइन फ्लेक्स डी इनलाइन फ्लेक्स ये काम करेगा कि हमारे पास ये जितना भी इसका बैकग्राउंड है इसे मिनिमम करके जितनी हमारी आइटम्स होगी उसके इक्वल कर देगा ओके तो यहाँ पे यूज करूँगा डी इनलाइन फ्लेक्स ये देखिएगा अब जितनी आइटम्स बढ़ाते जाएंगे इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्स रो
मैं इसे अरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अगले एक क्लास अच्छी तरह समझ आ सके। ओके, अब फ्लेक्स रो का काम ये है कि जैसे ये आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल है हमारे पास, ठीक है। हॉरिजेंटल फ्लेक्स रो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स रो ही होता है, ठीक है। आप इसे लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसे फ्लेक्स रो। ये हॉरिजेंटल हमारे पास फ्लेक्स क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल ही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास आती है फ्लेक्स रो रिवर्स, ठीक है। रिवर्स क्या करेगा हमारा, ये आइटम्स को राइट साइड पे कर देगा और इसे रिवर्स भी कर देगा। रिवर्स मीन थर्ड आइटम पहले आएगा, सेकंड बाद में, फर्स्ट लास्ट पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल क्रिएट करने के लिए हमारे पास होता है फ्लेक्स रो, और रिवर्स करने के लिए उसके रिवर्स हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा। और एक यहाँ पे हमारे पास यूज होता है फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स कॉलम हम यूज करते हैं वर्टिकली अपना फ्लेक्स क्रिएट करने के लिए। ये देखिएगा ये वर्टिकली हमारे पास हो गया है, ठीक है। अगर आप डी फ्लेक्स नहीं यूज करते तब भी ये वर्टिकली हो जाता है, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसे रिवर्स करने के लिए सिंपल आप लिख देंगे रिवर्स, और ये रिवर्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। क्या आप कंटेंट को कैसे करना चाह रहे हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, उसकी अलाइनमेंट कैसे करना चाह रहे हैं इस कंटेंट की, जो अंदर कंटेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट ही होता है, स्टार्ट पे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड, ये होगा एंड पे हमारी आइटम्स चली जाएंगी, मतलब राइट साइड पे चली जाएंगी। ओके, उसके बाद आता है सेंटर, ये आइटम्स को सेंटर पे कर देगा। ओके, उसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन ये होगा कि एक आइटम वो फर्स्ट पे कर देगा, एक सेकंड पे, और एक वो सेंटर में कर देगा। ओके, फर्स्ट सेंटर और स्टार्ट सेंटर एंड, ये बिटवीन का काम होता है। अराउंड एक होती है क्लास अराउंड की, अराउंड ये करेगा कि लेफ्ट से भी मार्जिन छोड़ देगा और राइट से भी मार्जिन छोड़ देगा। तो इधर करेंगे हम अराउंड। ओके, ये देखिएगा, ये देखिए। तो यही था आज का हमारा फ्लेक्स। यहाँ पे आप बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका कंटेंट भी राइट सेंटर कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज करके, H1 यूज करके, उनकी भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, तो आपने इसे एक्सप्लोर खुद ही करना होता है। ओके, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, पहली दफ़ा मेरा लेक्चर ले रहे हैं, तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।